ओके वेलकम दोस्तों। तो आज की कंसेप्ट है हमारी रियलाइजेशन कंसेप्ट। यस, तो आज मैं पहले इसको पढ़ूंगा और फिर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क्स के लिए कंसेप्ट आ सकता है अगर आया तो, और कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, राइट? मैं जूम करता हूं तो आपको दिखेगा प्रॉपर। ओके, अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कंसेप्ट, द प्रॉफिट ऑन सेल इज जनरली रिगार्डेड एज अर्न एट द टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर पास ऑन टू द परचेसर एंड द परचेसर इनकर द लायबिलिटी फॉर दैट। नो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन अर्न टिल इट आइदर रियलाइज इन कैश और अदर पार्टी इन्वॉल्व इज लीगली लायबल टू पे अमाउंट फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या गुड्स दे रहा हूं कि सर्विस दे रहा हूं दोस्तों? आप कहोगे सर आप हमें क्या दे रहे हो, तो सर्विस दे रहे हो, वेरी गुड। अब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं आपकी, राइट? मेरे पास इस क्लास के लिए फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी की थी। कितने बच्चों ने इंक्वायरी की थी? 50 बच्चों ने। सो मुझे कहना दोस्तों, आंसर करना, क्या मैं इन 50 बच्चों ने इंक्वायरी की है तो ऐसा मान लूं कि हर बच्चा मुझे फीस देगा ही? फॉर एग्जाम्पल 1000 अगर फीस है तो क्या मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या 50,000 रुपए रिकॉर्ड करने चाहिए क्या? आपका आंसर क्या रहेगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कर लो, कुछ बच्चों का कहना है सर मत कीजिए। अगर आप बोल रहे हो सर मत कीजिए तो ये कौन से कंसेप्ट से आप आंसर दे रहे हो? रियलाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जब आप गुड्स दे दो एक तो, या सर्विस पे पूरी तरह से आप अलॉट कर दो, नहीं तो एटलीस्ट अग्रीमेंट आपका हो जाना चाहिए। मतलब इस केस में सिर्फ 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और क्या किया, फॉर्म भी फिल कर दिया। क्या किया? फॉर्म फिल कर दिया, बोला कि सर हाँ आप हमें सर्विस दो। उन्होंने 10 दिन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं 10 दिन से, फॉर्म भी फिल कर दिया है। अब दोस्तों क्या मैं इन 30 बच्चों की फीस को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, क्योंकि वो क्या है, अग्री हो गए हैं, हमारा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं और वो अब लायबल हो जाएंगे पेमेंट देने को, तो फिर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। समझ रहा है? तो इन 30 में से जो 20 जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, इंक्वायरी की, उनका मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, राइट? दोस्तों चलो वापस एक बार पढ़ो, समझो क्या कहा है। नो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन अर्न टिल इट इज आइदर रियलाइज इन कैश। एक तो जो बच्चे कैश में दे देते उनकी रिकॉर्ड करूंगा, अगर नहीं दी तब तक मत करो, या फिर द अदर पार्टी इन्वॉल्व इज लीगली लायबल टू पे फॉर द अमाउंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, या फिर मैं कहूंगा सर्विस। दोस्तों एक तो आप लीगली हो, जब आपने फॉर्म भरा तो आप लीगली लायबल हो गए ना? हाँ, अगर आप लीगली लायबल हो जाते तो फिर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। क्या यहां तक आपको समझा क्या रियलाइजेशन कंसेप्ट? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन डज नॉट ओनली मीन टू रिसीट ऑफ इनकम इन कैश, बट द इनकम इज ऑल्सो सेड टू बी रियलाइज एज द राइट टू रिसीव इनकम गेट क्रिएटेड, द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज। यस सर, अब क्या हुआ, मेरे पास राइट तो आ गया ना जैसे आपने फॉर्म, तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कैश में ही रिसीव करो। जब आपने फॉर्म भरा, जब आपने साइन किया कि हम अग्री है, हम ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपके पास ही हम क्लास करेंगे, एग्जाम्पल क्लास का, ऐसे कोई हम हार्ड एंड फास्ट नहीं रखते, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप मेरे एज एन अकाउंटेंट मैं क्या करूंगा, एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट में वो रिकॉर्ड कर दूंगा करके एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको भी लिखना है पेपर में। कैश सेल्स ऑफ ₹10,000, हियर द इनकम इज रिसीव्ड इन कैश, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा रियलाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹50,000 टू राम राव, हियर द सेलर क्रिएट लीगल राइट टू रिसीव द इनकम, राइट? क्योंकि क्रेडिट अक्रूवल कंसेप्ट, देखो ये ना बहुत सारे कंसेप्ट ओवरलैप हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इसमें ये भी कंसेप्ट आता है, वो भी आता है, आएगा बेटा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी रियलाइजेशन, तो आपको उस पॉइंट पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो राम राव को जब क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल करते ही जैसे गुड्स दिया, तो आपका लीगल राइट क्रिएट हो गया ना कि आप उससे पैसे लोगे, तो ये आप लिख सकते हो बुक्स में। यस सर, दस द क्रेडिट सेल दो द इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन कैश टिल इट इज सेड टू बी रियलाइज, क्योंकि एक राइट क्रिएट हो गया है। तो ये एग्जांपल आप दो लिख दोगे। उसके बाद लिखना है कि फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, रियलाइजेशन। कितने एक्सेप्शन है दोस्तों? तो 4 एक्सेप्शन हो गए, कौन से देखते हैं। पहला,
एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इंटू अकाउंट वेर एज एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टेकन इंटू कंसिडरेशन. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पता है क्या? एज अ बिजनेसमैन यू शुड रिकॉर्ड ऑल योर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट यू शुड नॉट रिकॉर्ड ऑल योर एंटीसिपेटेड गेन्स. यस सर, आप अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया, कितना, 50 लाख का लॉटरी का टिकट लिया, 50 लैक्स, और आप ये अज्यूम करोगे अरे अभी तो हम ना बहुत मजे करेंगे, 50 लाख आने वाले, हमने बहुत बड़ी बड़ी पार्टी दी, बहुत पैसा उड़ा दिया, और आप बोलते हो अरे 50 लाख लॉटरी का टिकट लेगा मतलब लगने वाला है, बिंदास खर्चा करो, लोन ले लो, बहुत पैसा आने वाला है. क्या आपको वो पैसा आपको आना ही फिक्स हुआ क्या? एंटीसिपेटेड है, अंदर ला के आप एंट्री मत करो. हाँ, लेकिन एक प्रूडेंस बिजनेसमैन, प्रूडेंस करके कंसेप्ट आता है, आप लोगों ने क्या एंटीसिपेटेड लॉसेस को बुक करना चाहिए. दोस्तों, इस बिजनेसमैन का एक काम होता है, अगर उसे लगता है कि, इसलिए देखो ये प्रूडेंस कंसेप्ट जब आएगा तब मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट, बैड डेट्स के लिए आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसे भी आपने देखा होगा. तो ये सब प्रोविजन बनाना, रिजर्व बनाना, तो डाउटफुल डेट्स मतलब क्या, वो फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आज रिजर्व बनाया. कौन से कंसेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म? और यहाँ पे मैं रियलाइजेशन में बोलूं तो उन्होंने क्या कहा एक्सेप्शन में, कि आप लोग इनकम को मत ले लेना लेकिन आप लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो. ये तो प्रूडेंस कंसेप्ट भी बताता था आगे. और आपने वो बोलते ना कि एक कंसेप्ट था जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, राइट, मतलब आप लोगों ने गुड्स तो सेल कर दिए, सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, वो कुछ वक्त लेते हैं और फिर अप्रूव करते हैं, फिर वो सेल कंसिडर किया जाता है. तब तक के लिए देखो, ये अगर आपने सीए फाउंडेशन में अभी सम किए रहेंगे या देखा रहेगा तो आपको समझ रहा हो कि आप ना उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे क्रेडिटर नहीं मानते जब तक वो अप्रूवल नहीं देता. एक बार अप्रूवल दे दिया फिर उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है. यस सर, दूसरा है पढ़ते हैं हम लोग. इनकम लाइक इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अक्रूअल बेसिस दो दे आर नॉट रियलाइज. यस, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते हैं ना, अक्रूड रेंट, बराबर, क्योंकि ड्यू डेट तो आ जाती है ना, 30 तारीख को मेरा महीना खत्म हुआ, पैसे आने चाहिए थे, तो उस मंथ का या उस महीने का रेंट मैं क्या कर देता हूँ, अक्रूड बेसिस पे रिकॉर्ड कर देता हूँ उस साल का रेंट. थर्ड, इन केस ऑफ हायर परचेस सेल, सेल इज सेड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द इंस्टॉलमेंट. यस, तो 10,000 के गुड्स थे हायर परचेस पे, मैं 1,000 के इंस्टॉलमेंट पे अगर दे रहा हूँ दोस्तों, तो जितना पैसा आएगा उतना हम सेल कंसिडर करेंगे और उतने ही पैसे को क्या करेंगे, रियलाइज हुए करके बुक करेंगे हायर परचेस में. तो पूरा 10,000 नहीं कर रहे, 1,000 आ गए रिकॉर्ड कर दो, दूसरे हफ्ते में 1,000 आ गए रिकॉर्ड कर दो, एंड सो ऑन. चौथा एक्सेप्शन, इन केस ऑफ असेट कॉस्ट कंसेप्ट अडॉप्टेड, इतना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो आप लोग ये वाला असेट के केस में कॉस्ट कॉन्सेप्ट को यूज करोगे. सो पॉइंट क्या था, इतना ही कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन. कैसे आपको लिखना है, पहले आप मीनिंग लिखोगे, एग्जांपल लिखोगे, फिर एक्सेप्शन लिखोगे. दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझा रियलाइजेशन, और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहां से आप फटाक से रिवीजन कर सकते हो. राइट, ये देखो यहां पे अलग से पर्पस भी दिया हुआ है. हां, बहुत बच्चे ना पेपर में ये नहीं लिख रहे पर्पस जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पर्पस लिखना बहुत जरूरी है. इस कंसेप्ट का पर्पस क्या था, टू शो द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू विच इज रीजनेबली व्हाट सर्टन टू बी रियलाइज. यस, जितना पैसा आने वाला है तो बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगी करके चीजें. समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से एक बार इसे रिवाइज कर लेना. ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट खत्म किया, आपने भी अच्छे इसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा होगा. ये वीडियो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में होगी. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.